Assalamualaikum. Welcome back to Aysha's Kitchen. आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सूजी का केक. देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. सूजी 1 कप, सूजी बारीक होनी चाहिए, मैदा 1/2 कप, शुगर पाउडर 1 कप, अंडे 4 अदर, ऑयल 1/2 कप, दूध 1/2 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, नमक 1 चुटकी, थोड़े से बादाम और पिस्ते. शुगर सिरप के लिए हमें चाहिए चीनी 1/2 कप, पानी 1 कप, लेमन जूस 1 टेबलस्पून. सबसे पहले पतीले में स्टैंड रख कर और इसे ढक कर मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे. एक बाउल में अंडों को तोड़कर डालेंगे. अब 1 मिनट के लिए इन्हें विस्क करेंगे. अब इनमें पाउडर शुगर डालेंगे. और 5 मिनट विस्क करेंगे. अब इसमें ऑयल और वनीला एसेंस डाल दें. मिक्स करें. अब इसमें सूजी डाल दें. मिक्स करें अच्छे से. अब इसमें मैदा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और नमक छान कर डाल दें. अब इसे फोल्ड करें. अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे. अगर आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो तो आप 1/2 कप दूध डालें, वरना 2 टेबलस्पून डालें. बैटर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए. अब केक पैन को थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे. आप इसे बटर के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं. अब इसमें बटर पेपर डाल दें और बटर पेपर को भी ग्रीस कर लें. अब पैन में सारा बैटर डाल दें. अब इसे थोड़ा सा टैप करेंगे. अब इसमें पिस्ता बादाम डालेंगे. अब पैन को इसके अंदर डालेंगे. इसे ढक कर लो फ्लेम में 40 से 45 मिनट बेक करेंगे. अब एक पैन में चीनी डालकर उसमें पानी डाल दें. और
मीडियम फ्लेम में इसे तब तक पकाएं जब तक चीनी डिसॉल्व ना हो जाए। चीनी डिसॉल्व हो चुकी है, अब इसमें लेमन जूस डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर दें। अब एक टूथपिक लेकर उसको केक के बिल्कुल सेंटर में डालेंगे और निकाल के देखेंगे, टूथपिक बिल्कुल साफ़ है तो इसका मतलब केक तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और केक को पतीले से निकाल देंगे। अब इसे 5 या 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसमें शुगर सिरप डालेंगे, अब इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि चीनी रिजॉल्व हो जाए। अब इसे निकालेंगे, अब बटर पेपर को रिमूव करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और इसे ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। खुश रहें, मुझे और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।